मन को साधने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन चंचल है, भागता रहता है। जब आप युगल स्वरूप की शोभा में लगाते हैं तो स्वाभाविक है इस मन के अंदर जो लाखों करोड़ों जन्मों का संसार बसा हुआ है उस संसार के चित्र उभरने शुरू होते हैं। उन लाखों जन्मों में इस बेचारे मन ने काम, क्रोध, मत, लोभ, अहंकार में खूब क्रीड़ा की है, विषय वस्तुओं का बोझ ढोता रहा है। वो चित्र जो चित्त में समाहित हैं मन के अंदर उभरने लगते हैं और मन उनके पीछे भागना शुरू कर देता है। इस तन में भी उसने जितना कुछ देखा है, किसी से बात किया है उस बात की याद आ जाएगी, अब व्यवसाय करते हैं बिजनेस की कोई ना कोई बात मन में आ जाएगी, पढ़ाई करते हैं ज्ञान की कोई ना कोई बात आ जाएगी, इस जन्म का पूर्व जन्म के सारे विचार उसी समय प्रवाहित होने लगते हैं क्योंकि बाहर इसने देखना बंद कर दिया है। जब बाहर देखना बंद किया तो इसके अंदर जो विचार का द्वंद चल रहा है लाखों जन्मों से वो सारे प्रभावित होते हैं। उनको शांत कैसे करें? क्योंकि जब तक बाहर और अंदर के द्वंद्वों से नहीं उठेंगे तब तक संसार से परे कैसे हो जाएंगे? सामान्य सी बात तो कहने को कहती जाती है कि पिंड ब्रह्मांड से परे होंगे तो प्रीतम मिलेंगे। पिंड को तो हमने देखना बंद कर दिया, ब्रह्मांड को भी देखना बंद कर दिया, किंतु अंदर में जो हमारे पिंड और ब्रह्मांड है इसको मिटाने के लिए मन को शांत बनाना होगा, पवित्र बनाना पड़ेगा, और ये होगा आहार की शुद्धि से। हमारे समाज के विद्वान यदि साधना शब्द की चर्चा न करें तो इसका अर्थ क्या है कि क्या कोई साधना शब्द का प्रयोग ही न करें? साधना का अर्थ क्या होता है? साध्य को पाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको कहते हैं साधना। वाणी में एक चौपाई आती है या वैराग्य जो साधना, साधना शब्द है, लेकिन हाँ उनका जो मार्ग था साधना का भटकाव वाला था। संसार में जिन्होंने भी ध्यान साधनाएं की हैं उन्हें परमात्मा के स्वरूप का पता ही नहीं है। कोई साकार में मन को एकाग्र करने का प्रयास करता है, कोई निराकार में, कोई आकाश में, कोई ज्योतिर्बिंद को लेकर मन को धारणा में बनाता है, कोई सागर की लहरों को लेकर बनाता है। अलग अलग प्रक्रियाएं रही हैं। वेदांत कहता है कि धारणा किसकी होनी चाहिए? केवल परमात्मा की धारणा होनी चाहिए। परमात्मा के स्वरूप और धाम का पता ही नहीं है तो संसार कहां से ध्यान लगाता? किंतु हम साधना शब्द से ही चिढ़ जाते हैं। कट्टरवाद किसी समस्या का समाधान नहीं होता। हमारा हृदय इतना विशाल होना चाहिए कि हम संसार के सभी लोगों को अपने हृदय रूपी आंगन में स्थान दे सकें, उनके विचारों को सुने और अपने परमधाम की अमृत वर्षा से उनको तृप्त करें। यदि हम कट्टर पंथ का रास्ता अपना लेंगे कि इस शब्द का क्यों प्रयोग कर दिया, ये तो हमारी वाणी में नहीं लिखा है, तो याद रखिए आप वाणी को न फैला पाएंगे, न चितवनी को फैला पाएंगे, न अपनी आत्मा को उसके लक्ष्य तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए जो दूसरी साधना की मैं बात कर रहा हूँ वो है मन की साधना। मन की साधना के लिए आहार की शुद्धि होना आवश्यक है। आहार शुद्धि से ही सत्व की शुद्धि होती है। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुआ स्मृति, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथिनां वै प्रमुख। स्मृति की प्राप्ति हो जाए तो सभी अज्ञान में ग्रंथियों से छुटकारा हो जाए। स्मृति क्या है? मैंने एक दिन चर्चा में बोला था, हमें ज्ञान दृष्टि से बताया जा रहा है कि हम परमधाम के रहने वाले हैं ताकि हमारी स्मृति ताजा हो जाए। हम सात्विक आहार करेंगे उतना ही जितना कि शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है, तो क्या होगा? हमारी स्मृति शुद्ध होती जाएगी। स्मृति के शुद्ध होते ही सत्य पुरुषयो शुद्ध साम्यक कैवल्यम, योगदर्शन ने बहुत ऊंची बात की है। सत्य पुरुषयो, बुद्धि शुद्ध हो जाए और जीव शुद्ध हो जाए तो कैवल्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुद्धि तब तक शुद्ध नहीं हो सकती जब तक उसके अंदर सात्विक आहार न दिया जाए। कितना भी बड़ा हिमालय का योगी हो, यदि उसको शराब पिलाया जाए और कहा जाए कि समाधि लगा लो, तो क्या वो लगा सकता? आहार ही है जो मनुष्य को राक्षस बनाता है, आहार ही है जो मनुष्य को देवता बनाता है, आहार ही मनुष्य को योगी बनाता है। इसलिए जब तक आप आहार की सात्विकता पर ध्यान नहीं देंगे आपका मन कभी भी शांत नहीं रह सकता है। मैंने जो दूसरी बात कही,
तन की साधना के पश्चात मन की साधना। मन भागता है, भागने दीजिए, आप विचलित ना होइए। युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा में आप इसको लगाइए। इसलिए वाणी बार बार कह रही है, हमारा मन समर्पित हो, भावुक हो, प्रेममयी हो। इसके लिए उस प्रेम के स्वरूप को प्रतिदिन ध्यान में लाना होगा। बैठते बैठते ये मन सद जाएगा। एक बोलचाल में कहावत कही जाती है, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। एक रस्सी को बार बार कुएं के मुंडेर से खींचा जाता है तो रस्सी की रगड़ से पत्थर की बनी हुई जो मुंडेर होती है वो भी घिस जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप चितवनी करेंगे और मन आपके बस में नहीं होगा। सुंदर साथ पहले ही धैर्य खो देते हैं, क्या करें मेरा मन ही बस में नहीं होता है। मन तो पल भर में भी बस हो सकता है। मन में समर्पण का भाव आ जाए, मन केवल ये सोच ले कि मेरा केवल प्रीतम है और मेरा हृदय उनका है, तो निश्चित है कि इसके बस में देरी नहीं लगेगी। किंतु हमने अपना मन किसी और को दिया होता है, दूसरे को दिए हुए मन से राज्य का ध्यान करना चाहते हैं तो कहां से ध्यान लगेगा। सबसे बड़ी भूल यही होती है। दूसरी चीज जो मैंने मन के बारे में कही है, योग दर्शन में भी कहा है और गीता में भी कहा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधः। मन की वृत्तियों का, चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे होगा? अभ्यास और वैराग्य से। मन नहीं लगता है राज्य की शोभा में, आप लगाइए। संसार के सुखों की तरह मत देखिए, क्योंकि ये जो सुख है आपके और प्रीतम के बीच में एक दीवार बनकर के खड़े हो जाते हैं। इनकी जो आसक्ति है, तृष्णा है, आपके मन को और चंचल बना देती है। आप चितवनी कर रहे हैं, आपका मन भागने लगा है, भागते भागते आप स्वादिष्ट भोजन की तरफ चले जाते हैं कि कल मैं ये चीज खाऊं। आप वस्त्र और आभूषण के बीच में चले जाते हैं कि इतने लाख रुपए होते तो इतना सुंदर आभूषण खरीद लेता, हीरे का हार खरीद लेता। ये क्यों? क्योंकि वैराग्य नहीं है। यदि आपका मन केवल राज्य के लिए समर्पित हो गया, केवल राज्य को चाह रहा है कि मेरा हृदय उनका है, मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, तो इसको एकाग्र होने में कितनी देर लगेगी? ये है मन की साधना। आहार की शुद्धि कीजिए, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तो परिणाम होगा कि चित्त भी शुद्ध हो जाएगा, बुरे संस्कार दबने शुरू होंगे या जलकर राख होने शुरू हो जाएंगे और आपका मन पूर्णतया शांत होने लगेगा।